हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बॉटनी क्लास। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर थर्ड का टॉपिक सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे इमेज में आप सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डायग्राम देख सकते हैं। आप देखिए, यहाँ पे ये सेंट्रल एलिमेंट है एली, ये लेटरल एलिमेंट है, ये यहाँ पे ट्रांसवर्स फिलामेंट है साइड में, और ये वाला जो पार्ट ये क्रोमेटिन है। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या है? एक प्रोटीन स्ट्रक्चर होती है जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में बनती है, जिसमें सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होते हैं उनके दो पेयर इन्वॉल्व होते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर बनती है ये मियोसिस के ड्यूरिंग बनती है, मियोसिस फेज में बनती है। और ऐसा माना जाता है कि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर बनती है ये क्रोमोसोम पेयरिंग, सिनेप्सिस एंड रिकॉम्बिनेशन में हेल्प करती है। ये जो पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं ये आपस में जॉइंट होते हैं एक प्रोटीन कंटेनिंग फ्रेमवर्क के द्वारा, जिसको सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर को डिटेल में देखने से पहले हम जानते हैं कि सिनेप्सिस क्या होता है। हालांकि इससे पहले वाले वीडियो में हमने मियोसिस के बारे में पढ़ा था, वहाँ पे भी इसके बारे में चर्चा करी थी। सिनेप्सिस में मियोसिस जो स्टेज है उसमें ये घटना होती है, मियोसिस फर्स्ट में। मियोसिस की भी दो स्टेज होती है, फर्स्ट और सेकंड। तो जो मियोसिस फर्स्ट है वहाँ पे सिनेप्सिस होता है। क्रोमोसोम रेप्लिकेशन के बाद होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो पेयरिंग करते हैं पूरी लेंथ में, पूरी लंबाई में आपस में ये पेयरिंग करते हैं। और पेयरिंग के द्वारा ये जो कॉम्प्लेक्स बनाने की प्रक्रिया है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के द्वारा, इसको सिनेप्सिस कहा जाता है। आप नीचे इमेज में भी देख सकते हैं, पूरी लंबाई में आपस में ये पेयरिंग कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, इसको सिनेप्सिस कहते हैं। ये बीच में सेंट्रोमियर है और ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के। देन आता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। इसको सबसे पहले मोंट्रोज जे मोजेज ने 1956 में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, किसकी, क्रेफिश में खोजा था, और डी फोसेट के द्वारा इसको पीजन, कैट एंड मैन के स्पर्मेटोसाइट्स में खोजा था। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है वो एक ट्राइपेरिएट स्ट्रक्चर होती है, जिसमें दो पैरेलल लेटरल रीजन होते हैं और एक सेंट्रल एलिमेंट होता है। तीन स्पेसिफिक जो कंपोनेंट्स हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के वो कैरेक्टराइज किए गए हैं। वो तीन कंपोनेंट कौन से हैं? पहला है SC protein 1, जो कौन सी होती है, SYCP1। दूसरा है SC protein 2, इसमें कौन सी प्रोटीन इंक्लूड है, SYCP2। एंड तीसरा जो स्पेसिफिक कंपोनेंट है वो है SC protein 3, SYCP3।
यहाँ पे आप टेट्राड कैसे बन रहा है उसको देख सकते हैं। ये टेट्राड जो है ये भी मियोसिस फर्स्ट जो डिवीजन होता है उसके दौरान बनता है। यहाँ पे आप देखिए ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ये बीच में सेंट्रोमेर है और ये काइनेटोकोर है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन रहा है इसमें, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। जब सिनेप्सिस होता है तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो साइड में साइड बाय साइड जो है वो नहीं अलाइन होते हैं, बल्कि कैसे अलाइन होते हैं, एक दूसरे के ऊपर, किसके साथ, एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के साथ जिसको क्या कहा जाता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, और ये इनको क्रोमोसोम्स को होल्ड करने का काम करता है। यहाँ पे आप एक मैच्योर सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है उसकी स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये सेंट्रल एलिमेंट है, ये नीचे की तरफ ट्रांसवर्स फिलामेंट्स हैं, बीच में रिकॉम्बिनेशन मॉड्यूल बनी हुई है, ये पूरा पोर्शन सेंट्रल रीजन है, और ये जो रेड कलर में लेटरल एलिमेंट्स हैं ये प्रोटीन एक्सिस बनाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं क्रोमेटिन है सिस्टर क्रोमेटिड्स 1 और 2 का जो कि पैटर्नल है। यहाँ पे क्रोमेटिन जो है वो किसका है, सिस्टर क्रोमेटिड्स का है, कौन से, 3 और 4 जो कि मैटर्नल है। तो इस तरीके से ये एक मैच्योर सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर है। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में बनता है। इसका जो प्रिसाइज रोल है वो क्लियरली अंडरस्टूड नहीं है। यहाँ पे इमेज में भी यही दिखाया गया है, ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है, इसमें ये क्रोमेटिड्स हैं, बीच में सेंट्रल एलिमेंट है और साइड में ये लेटरल एलिमेंट्स हैं। लेटरल एलिमेंट्स जो हैं वो बाउंड होते हैं क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ होमोलोगस क्रोमेटिड्स पे, और जो सेंट्रल एलिमेंट है वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है लिंक बिटवीन लेटरल एलिमेंट्स। थैंक यू सो मच।